हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनबॉक्सिंग किंग में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ऑन के ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के अमीनो एनर्जी की। तो मैं इसमें आपको शो करूंगा कि डब्बे को आप कैसे पता करें बॉक्स को कि ओरिजिनल है या फेक है, ओके। और सारे इसमें इसके सप्लीमेंट्स वगैरह दिखाऊँगा, फैक्ट्स, और मतलब फुल बॉक्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, मिक्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक असली और एक नकली डब्बे में क्या फ़र्क होता है, ओके दोस्तों। और सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिन्हें वीडियो को मेरी पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगती, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप नोटिफिकेशन आ जाए जब नेक्स्ट टाइम मैं कोई वीडियो डालूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा बॉक्स, मैं आपको ध्यान से पूरा दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कैप की। कैप के ऊपर आपको ऑन की ब्रांडिंग मिलेगी, आप ध्यान से देखिएगा सारी लाइंस वगैरह ताकि आप चेक कर सकें और पता कर सकें असली नकली में क्या फ़र्क रहता है। ये पूरा आप लेवल ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इधर से 30 सर्विंग का ये टब है, पाइनएप्पल फ्लेवर है, और इसमें ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स, ठीक है। इसकी आपको इसमें है 30 सर्विंग मतलब इसमें है 60 स्कूप्स और 9 ग्राम की एक स्कूप है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे बॉक्स की। नीचे से आपको एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से रहता है नीचे से। ये ऑन के डब्बों की हमेशा एक्सपायरी नीचे होती है, और ये लाइन ज़रूर मिलेगी आपको ऑन के हर प्रोडक्ट में। तो अभी हम इसको खोलते हैं। बॉक्स को खोलने के बाद मिलती है हमें इनर सील। इनर सील पर आप देख सकते हैं कुछ होल्स, यहाँ डॉट्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट्स हैं, इसका आप ध्यान रखें। और ये जो है यहाँ पे पेपर फोल्ड हो रखा है 1, 2, 3 बार, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर बात करते हैं कैप की। कैप के अंदर आपको मेड इन यूएसए मिल जाएगा लिखा हुआ, इसको हम रखते हैं साइड में और हमको खोल के दिखाते हैं। इसको जब हम यहाँ से ओपन करेंगे, ये इनर सील ओपन करने के बाद आपको मिलती है अंदर स्कूप। स्कूप पे भी आपको कुछ लिखा मिल जाएगा यहाँ पे, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। अभी हम इसको इसकी मिक्सिबिलिटी दिखाते हैं कैसी है। तो दोस्तों हम इसका एक सर्विंग स्टार जो है अभी आपको मिक्स करके दिखाएंगे। एक सर्विंग मतलब इसमें जाने हैं हमारे 2 स्कूप। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है पाउडर, इससे पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है, ठीक है। तो अभी हम इसका डालेंगे और खोलते ही खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, 1 और 2 इतने आपने रखना है। ये हो गई हमारी 2 स्कूप, इट मीन्स 1 सर्विंग। ऐसी आपको 30 बार डालनी है तो ये आपका 1 महीना चलेगी। इसको हम कर देते हैं बंद, और अभी हम इसमें आपको वाटर डाल के इसकी मिक्सिबिलिटी दिखा देते हैं। अमीनो है, इंट्रा वर्कआउट लिया जाता है, तो काफ़ी सारा पानी रखेंगे तो आपके आपके पूरे वर्कआउट में आपका साथ दे। देखिए दोस्तों डालते ही ये पूरा लगभग घुल गया है, और येलो कलर का इसमें टेक्सचर आना चालू हो गया है। बस इतना ही। देखिए दोस्तों ये पूरा घुल गया है, जस्ट कुछ ही शेक्स में ये घुल गया है। और ये था हमारी अनबॉक्सिंग अमीनो एनर्जी ऑन की पाइनएप्पल फ्लेवर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा डुप्लीकेसी से बचने के लिए। ये वीडियो को पूरी ध्यान से देख लें, डब्बे को मैच कर लें, तो आप डुप्लीकेसी से बच पाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।